आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दो दिन का मौसम का पूर्वानुमान किस तरह का रह सकता है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। फिलहाल ये 15 अगस्त तक बारिश से निजात मिलने की उम्मीद दिख रही है। हम आपको सबसे पहले बारिश के बारे में बताते हैं, आने वाले दो दिन मंगलवार 8 अगस्त और बुधवार 9 अगस्त को किस तरह मौसम का पूर्वानुमान रह सकता है। सोमवार 7 अगस्त और मंगलवार 8 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग आसमान पर कहीं भी बूंदाबांदी की उम्मीद नहीं, सुबह 7 बजे के लगभग हल्की फुल्की बूंदाबांदी की उम्मीद, 7 बजे से 10 बजे तक बूंदाबांदी हल्की फुल्की हो सकती है, उसके बाद ऐसा लग सकता है कि बूंदाबांदी होगी पर शायद ही बूंदाबांदी 8 अगस्त को शाम तक हो पाए। 9 अगस्त को भी रात में लगभग सुबह 5 बजे के लगभग धुमा के आसपास कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है और 7 बजे के बाद जिले भर में बहुत हल्की सी बूंदाबांदी होने की उम्मीद 12 बजे दोपहर तक। उसके बाद बुधवार को 2 बजे हल्की फुल्की बहुत ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी हल्की होने की उम्मीद। इसके बाद 9 और 10 बुधवार और बृहस्पतिवार की दरमियानी रात 12 बजे तक कहीं भी बारिश होने की या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसके उपरांत अब हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन के बारे में बताते हैं। 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग कहीं भी बिजली की कड़कन तड़कन या चमक दिखने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा नहीं जताई गई है। रात 12 बजे के बाद शाम 4 बजे तक अर्थात 8 तारीख को बिजली की चमक शायद ही कहीं दिखाई दे पाए। 9 तारीख को भी हम आपको बता रहे हैं, बुधवार 9 अगस्त को भी दिन में लगभग 2-3 बजे तक भी कहीं बिजली की कड़कन तड़कन शायद ही चमक भी शायद ही दिखाई दे पाए। रात 12 बजे तक भी अर्थात 8 और 9 तारीख को बिजली की चमक शायद ही कहीं पर दिखाई दे पाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। इसके उपरांत अब हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं कि दो दिन अर्थात मंगलवार और बुधवार को तापमान किस तरह का रह सकता है। सोमवार 7 अगस्त और मंगलवार 8 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। सुबह 5 बजे मंगलवार को सुबह 5 बजे 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है और 10 बजे के लगभग 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। दिन में हल्की फुल्की उमस महसूस हो सकती है। शाम 5 बजे 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। तापमान में हल्की कमी शाम के समय हो सकती है और रात 12 बजे के लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। बुधवार 9 अगस्त को सुबह 5 बजे 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान सिवनी जिले में बने रहने की उम्मीद। इसके उपरांत 8-9 बजे के लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 9 अगस्त को 12 बजे दिन में 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। 4 बजे शाम को तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताई गई है। 7 बजे शाम को 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद और 9 और 10 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान रह सकता है। अब हम आपको हवाओं की दिशा और गति के बारे में इसके उपरांत बताने जा रहे हैं। 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग हवाओं की दिशा पश्चिम से पूर्व और हल्की तेज हवाएं अर्थात पत्ते आपको हिलते हुए दरख्तों के दिख सकते हैं। हवाएं चलती हुई प्रतीत हो सकती हैं। रात भर हवाएं हल्की फुल्की चलने के साथ ही सुबह 7 बजे के लगभग हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो सकती है और हवाओं में थोड़ी हल्की सी गति आ सकती है। 20-22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहने की उम्मीद सूत्रों के द्वारा बताई गई है। दिन में भी हवाएं हल्की फुल्की चल सकती हैं। शाम 5 बजे के लगभग हवाएं लगभग थोड़ी सी थमी नज़र आ सकती हैं। 8 अगस्त को रात में 11 बजे
तक इस तरह का मौसम रह सकता है। हवाएं लगभग थमी ही नजर आ सकती हैं। सुबह सवेरे 7 बजे के बाद एक बार फिर हवाओं की दिशा, यह हम आपको बुधवार 9 अगस्त का हवाओं का या रुख बता रहे हैं। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर हवाएं का रुख रह सकता है और हवाओं की गति लगभग 18-20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलने की उम्मीद नहीं, पर दरख्तों के पत्ते और ध्वजाएँ जहाँ पर भी होंगी वो आपको हिलती हुई दिखाई दे सकती हैं। 4-5 बजे के बाद फिर हवाएं थमी नजर आ सकती हैं और रात 12 बजे तक हल्की फुल्की हवाएं चलने की उम्मीद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा उनके जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको बता देंगे महेश रावलानी के द्वारा मौसम का जो भी पूर्वानुमान अभी तक मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया है वो आपके साथ साझा किया गया 95 से 99% तक सही साबित होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें अगर आपको पसंद आ रही हूँ तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। महेश रावलानी की रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, मौसम का 2 दिन का पूर्वानुमान लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।